मिनी इन्वर्टर बनाने के लिए मैंने यह साजल लिया है। आप देख सकते हैं यह साजल की सर्किट है, इसमें हम ये ट्रांसफार्मर इससे बाहर निकालेंगे। तो मैं पहले से इससे यहाँ सोल्डर से मैंने अच्छी तरह से यह निकल लिया है। ये छोटा ट्रांसफार्मर ये ले लेना है। आप देख सकते हैं इसमें चार लेग आती है एक साइड और दूसरी साइड को दो लेग आती है। इसी तरह से यह ट्रांसफार्मर ले लेना है और एक ट्रांजिस्टर ले लेना है। आप देख सकते हैं D882 ये ट्रांजिस्टर ले लेना है। आप देख सकते हैं इसमें तीन लाइन आती है। तो पहली लाइन है ये इमेटर है और दूसरी है ये कलेक्टर है और ये तीसरी है ये बेस्ट है। तो इसी तरह से ये तीन पॉइंट ट्रांजिस्टर में आते हैं और एक 1K का रजिस्टर इसी तरह से ले लेना है। अब मैं सभी को सॉल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। ट्रांसफॉर्मर ले लेना है, इसमें ये पहली लाइन है और ये पहली है। तो इसमें हम 1K का रजिस्टर ये यहाँ सॉल्डिंग कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ सॉल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1K के रजिस्टर इसी तरह से आप को लगा लेना है पहली लाइन में और दो साइड में, एक में मैंने सोल्डिंग कर लिया है। इसी तरह से 1K का रजिस्टर को इसी तरह से यह सोल्डिंग कर लेना है। एक ट्रांजिस्टर ले लेना है D882, इसमें तीन लेग आती है, ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी। इसी तरह से तीन लेग आती है ट्रांसफार्मर में। आप देख सकते इसमें हम दूसरी वाली है, इसे हम ट्रांसफार्मर में यहाँ सोल्डिंग करेंगे। इसी तरह से आप वीडियो में देखकर सोल्डिंग कर लेना है और तीसरी को हम 1K के रजिस्टर के बगल में सोल्डिंग करेंगे। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में 20 वाली और तीसरी मैंने इसी तरह से सोल्डिंग कर लिया है। इसी तरह से आपको यह ट्रांसफार्मर में IC को सोल्डिंग कर लेना है। अब मैं इसे ट्रांसफार्मर में हम दो वायर सोल्डिंग कर लेंगे। तो हमारा ये रेड वायर है, इसे हम 1K के रजिस्टर के साथ यहाँ सोल्डिंग करेंगे और हमारा ब्लू वायर है ये नेगेटिव है, इसे हम ब्लू वायर को मैं ट्रांजिस्टर में सोल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। तो मैं इस दोनों वायर को यहाँ सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं रेड वायर है ये हमारा 1K के रजिस्टर के साथ सोल्डिंग कर लिया है और ब्लू वायर को मैंने IC के पहली लाइन में मैंने सोल्डिंग कर लिया है। इससे हमारा इनपुट वायरिंग है ये दोनों और इससे हम दो वायर और लेंगे ये। तो इसे हम यहाँ दोनों वायर लगा लेते हैं। चार लाइन आती है, इसमें दो लाइन बाकी है, इसमें हम दो वायर को यहाँ सोल्डिंग कर लेते हैं। पहले मैंने दो वायर को यहाँ सोल्डिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं 220 वोल्ट यहाँ से बाहर आएगा, इसी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। और हमारा दूसरा दो वायर है, इसमें हम एक लिथियम बैटरी यहाँ लगाएंगे। तो पहले हम एक होल्डर 220 वोल्ट में यहाँ में सोल्डिंग करके यहाँ लगा लेंगे। मैंने होल्डर को 220 वोल्ट में यहाँ सोल्डिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये होल्डर को लगा लेना है। तो यहाँ हम लैंप लगाएंगे LED 220 वोल्ट। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहे, हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हम लिथियम बैटरी लगाएंगे। पहले हम LED लैंप को यहाँ लगा लेते हैं। मैंने LED लैंप ले लिया है। आप देख सकते हैं 10 वोल्ट LED 100 के 220 और 240 वोल्ट के ये है मेड इन इंडिया। तो इसे मैं छोटा इन्वर्टर में यहाँ फिट करके आपको मैं इसमें दिखाएंगे कि हमारा ये छोटा मिनी इन्वर्टर
सही वर्क कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ होल्डर में 220 वोल्ट में लैंप को लगा लेंगे। तो मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमारा ये ब्लू वायर को हम बैटरी के टच करेंगे तो हमारा ये लैंप ग्लो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो मैं यहाँ टच करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें हमारा एलईडी लैंप ऑन हो रहा है। इसी तरह से आपको ये मिनी इन्वर्टर घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर अने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, त्यासुदी बाय बाय दोस्तों।